पर ये मंगलसूत्र गोदावरी की गले की शोभा बढ़ाएगा। अमर, तुम खुद अपने हाथों से गोदावरी को ये मंगलसूत्र पहनाओ। ये मंगलसूत्र पहनाओ। तुम रहने दो अमर, हम खुद दे देंगे गोदावरी को ये मंगलसूत्र। गोदावरी का जो भी हक है हमने ही दिया है उसे। देखा दुल्हन, हम रंजनवा के तो टटबे करब, बाकी तू ना अपना मरद के तनी समझा दिया। ई ना होखे कि बनत काम में लंगा लग जाए। हम साँच कहतनी भौजी, जनंगा जगत अमर पर बरसतन हूँ, ऐसा लगता कि कन्या अमर के मेहरारू ना जगत के मेहरारू होखे। दुल्हन। हाँ बुआ जी। अरे तनी कस कर रखा अपने मरद के। अब हम का करी बुआ, इनकर आके तो हम कितना हला समझेली, लेकिन रउआ बताई बुआ, का ई घर के मरद अपन औरतन के सुनल हंस जो हमार पतिदेव हमार सुनियन। काहे ना सुनिए लोग दुल्हन, हाँ रंजन और जगत अमरवा के पीछे हाथ धो के पड़ गए बालू। हम ई कुल नए घर में चले दे, अगर माते ई सब देख के नाराज हो जाइए तो अमर के बाबूजी हमारे कहू नतीजा ना छोड़ी है। कतना भाग से ता माता के आइला पर भाग जागल बा यहाँ के कि विधायक के टिकट मिली। हाँ माई, और माते के चक्कर में हम कान के झुमका भी दे देनी है। कान्हा के पापा आई है, पूछिए कि वो वाला झुमका कहाँ गए, तो हम का बोला। अब तोरा झुमका के पड़ल बा, तोर जान जाता। ए जा, हम हार दे के बैठल बनी, बस एक बार अपन बाबूजी के नु विधायक बन जाए दे, फिर तोरा के नु हम 5 तोला के झुमका दे। विधायक भइला के बाद पैसा की कमी थोड़े न रहे। ए छुटकी भौजी, और जन्म तक से सिफारिश कैले बनी नु, वो मत भूला जाइयो, और लखनऊ एयरपोर्ट पर ना हमरा खातिर घर खरीद दियो। चाची जी सुनी ना, अगर ऐसन बात बानू तो ये देखी ना, हमो आपन हाथ के कुंदन वाला छल्ला देले बानी नू। हाँ तो कहा ना चाची जी कि हमारे छुटकी भौजी मुंबई में रहेली, तो रहुआ चाचा जी से कह के मुंबई में हमरे को एगो फ्लैट दिया दे अपने चाची जी। अरे चिंता मत करो लोग, सब केहू के सब मांग पूरा हुई, बस एक बार विधायक बन जाए तो लोग। बाकी अभी तो हमार मन हमार हारवे में बसल बा, बताओ ऐसा कौन मेरा रू खेले हो। हाँ आवते गला में के हार हमार उतरवा देलस, इहो ना सोचलस केहू के गला में के हार उतरला पर कतना आदमी दुखी हो खेला। मम्मी जी, मैंने भी यही सोचा कि चढ़ावा और उपहार मांग कर नहीं लिया जाता, वो तो देने वाले पर निर्भर करता है कि क्या देना चाहते हैं। मम्मी जी, हम तो सिर्फ माते की बात मानते हैं, और अब जब माते की बात पूरी हो गई है तो मैंने सोचा कि मांग कर लिया उपहार उपहार नहीं वसूली होती है, और परिवार में वसूली और समाज में उसूली ना तो परिवार के हित में होता है और ना ही समाज के हित में होता है। और अब जब मुझे इस परिवार में इन रिश्तेदारों के साथ ही रहना है तो मैं आप सबको दुखी कैसे रख सकती हूँ, और ऐसा करके मैं खुश रह पाऊंगी? नहीं, कभी नहीं। लीजिए आप सब ये गहने वापस ले लीजिए। ये सारे उपहार वापस ले लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। हमें तो बस आप सबसे आशीर्वाद और आप सबका प्यार चाहिए। ये चूड़ी झुमके ये सब गहने ये सब मुझे नहीं चाहिए।
बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मुंह दिखाए में लिए गहने भी सबको वापस कर दिए हैं, लेकिन मैं माते की आज्ञा को टाल नहीं सकती। इसीलिए ये सिंदूर की डिब्बी मैं आपको वापस नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी आज सुबह ही उन्होंने ये सिंदूर मेरी मांग में भर दिया है। देखिए, अच्छा लग रहा है ना? कहते हैं सिंदूर जितना गहरा हो उसका पति उसे उतना ही ज्यादा प्यार करता है। ये सिंदूर ही तो है जो मुझे एहसास दिलाता है कि मेरे पति मुझे कितना प्यार करते हैं और हमारे साथ हैं। लेकिन बहन, मेरी मजबूरी है, माते की आज्ञा, इसीलिए मैं ये सिंदूर आपको नहीं लौटा पाऊंगी। मुझे पता है मेरी बहन मेरी मजबूरी को ज़रूर समझेंगी और इसके लिए मुझे माफ़ कर देंगी। संध्या दीदी, एगो बात पता बानू कि सब कुछ दिया लौट जाला, लेकिन अगर एक बार के वो अपन मांग के सिंदूर दे दे अनुदान में तो जीवन भर ना लौटेला। हाँ मोहिनी भाभी, अब की वो अभागिन औरत ही हुई जे सिंदूर दान में दे। देखा, हमार गहना तो हमके मिल गए। हमार गहना देख के नू हमार गंजू बाबू तो एकदम खुशे हो जाये। और सिंगार पटार कैले से नू सिंगार पटार देख के मरद खुश रहले। जान तोड़ छोटकी दुल्हन, सिंगार पटार भी ओकरिये पर फवेला जे वो सिंगार पटार के देखे वाला होके। अब मार गहना गुड़िया ऊपर से नीचे ले लदिए लो आ देखे वाला मुंह फेर ले तो का फायदा वो सिंगार पटार के। तू कहा ना बुआ, वैसे हमरा के जितना पता बा ई मांग के सिंदूर और गले के मंगलसूत्र ना पति खातिन होखला। काहे से कि बुआ, एक मांग एक सिंदूर, एक गला एक मंगलसूत्र, यही औरत के पहचान होखला ना बुआ। अरे छोटकी दुल्हन, तारी मंगलसूत्र वाली बात सुन के ना हमरा एको बात याद आइल। अब तो हमर बबुआ घर चली आइल बाने और सुन्नी अब पैसा भी लेके आइल बाने, तब भैया के कर्जा चुका के कन्या के मंगलसूत्र दिला दी है। अब तक कन्या भी मंगलसूत्र पहनी है। हाँ बुआ, अब अमर आरती भौजी के मंगलसूत्र तो दिया ही दी है। अब आरती भौजी के मंगलसूत्र पहने के तो हक बा, अब सिंदूर तो दान में देले बड़ी तो मंगलसूत्र तो पहने के पड़ी ना, नहीं तो की हुआ आई तो कैसे नजर मिली है। चुप प्रभु साहब, कुल का गीत गावे लग लुलू तुम लोग। हमार वाई सन ना अपना ऊपर एहसान कबो न रखी, एक ना एक दिन सब क्यों की कर्जा उतार दी। दुल्हन, तारा के को बात बतावे के चाहता, तू ना माते के पैर पकड़ के उनकर पैर पर गिर जा। हो सकता कि उनकर पैर पकड़ला से तार भाग खुल जाओ। हाँ, खुश हो के तारा के तार जीवन धन्य होके वाला आशीर्वाद दे दे। देखा, हम तार दुश्मन ना आई, तारा के हम गलत सजा दे। बुझलू? मेहमान जी सुना था नहीं? और अरे मेहमान जी कहाँ खो गए? नहीं रहुआ सरी रे जा बा, लेकिन चंचल मन कहाँ दौड़त बा? माफ करी भैया जी, लेकिन हम बड़ा उहापोह की स्थिति में आए।
मने समझे मने क्या बात कि अमर जी कैसा आदमी बड़ा कैसा आदमी बड़ा बोलो वो तो जन्म से ही ऐसा बड़ा कब कबन कर बटली है ना तब समझ में आवत रहल अन्ना आज समझ में आ रहल बा ठीक है कह रहल बानी भैया जी मने अमर जी कन्या जी के ऊपर जे राउड कर्जा रहे वो चुकावे खातिर घर द्वार माय बाप गांव जवार यहाँ तक अपन बीबी और छोटकी बच्ची के छोड़ के चल गिलन एकदम अचानक से पैसा कमाए खातिर ई घटना ई साबित करेला कि अमर जी अपन पत्नी मतलब कन्या जी से कतना प्यार करेलन लेकिन जब वो पैसा लेके अइलन तो खाली पैसा लेके ना अइलन लेकिन जब वो वापस अइलन तो का कइलन उहे कन्या जी के सौतन लेके आ गेलन समझे में ना आयल हमके जब वो कर्जा के पैसा पूरा रुआ के दे के मंगल सूत्र छोड़ा लेलन तो वो कन्या जी के ना देलन वो देलन के हम नहीं के दुल्हन के अब देलन का वो तो उनकर हाथ से बच्ची छीन के ले गिलन का टुकुर टुकुर देखित रह गिलन ये मेहमान जी एक बात कही ओकरा के बच्ची मत कह माते है माते उनकरा आवते ही हमर जंग लगल भग के ताला खुल गई ये सब सब माटे के आशीर्वाद से हमार भविष्य बता दिली हमार वर्तमान बता दिली हमारा विधायक बने के जे अरमान रहे लू ओकरा के माटे आपन पंख लगा दिली अरे हमरा के आशीर्वाद दे दिली मेहमान जी माते के कबू बुच्ची बच्ची ना बोलो माते के तो सिर्फ माते बोलो माते हाँ भैया जी उहे माते माते जी है ठीक बा उहे माते जी हाउ मंगल सूत्र कन्या जी के आंख के सामने अमर जी से लेके चल गई हाउ लड़की दुल्हन के पहनावे खातिर अब रघुए बताए का लगातार हुआ अमर जी कन्या जी के तवज्जो दी है कि सब कुछ लड़की दुल्हन पर लुट गई है कहे कि हमार दिमाग के घोड़ा ना टपक टपक दौड़ा था लेकिन कुछ समझ में नहीं क्या हुआ दुविधा में तो हम बनी मेहमान जी और दुविधा ऐसा भ्रम जाल बना देवेला के दिमाग एकदम सन से करके रह जाला ये दुविधा तभी जाके खत्म होई जब समय के साथ सब कुछ सामने आए लेकिन मेहमान जी अब हमनी के वो तैयारी में लागल जाओ जब हमार माते कहली हा माते डाइकी के चुनाव में लागल जाओ एक एक वोट पर मेहनत करे के बाद मेहमान जी एक एक वोट पर उसे माते के तो आशीर्वाद मिलिए गई बानू लेकिन फिर भी एक एक वोटर तक पहुंचे के बाद अगर एक वोट भी हाथ से निकल गई नू मेहमान जी तो फिर चुनाव हारे के खतरा सर पे मंडराई ले लो गोदावरी तुम्हारे लिए ही है ये मंगलसूत्र आरती का मंगलसूत्र जो अब तुम्हारे गले की खूबसूरती बढ़ाएगा आज से इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है
प्रणाम माती। सदा सुहागन रहो। माती, मेरे लिए आपका हर आशीर्वाद बहुत अनमोल है, लेकिन इस मंगलसूत्र पर तो मेरी बहन का अधिकार है ना? अधिकार उसी का होता है गोदावरी, जो अधिकारी होता है, और तुम अधिकारी हो इस मंगलसूत्र के लिए, क्योंकि समय और नसीब नहीं, ये माते तय करेगी किसका कब और क्या अधिकार होगा। जी माती। आप जैसी बहन पाकर मैं तो धन्य हो गई हूँ। मैं तो सोच सोच के डर रही थी इस घर में कदम रखने से पहले। न जाने मेरा घर परिवार कैसा होगा, यहाँ सब लोग कैसे होंगे, लेकिन अब लगता है कि मेरे पूर्व जन्म के नेक कर्मों का फल मिल रहा है। इतना बढ़िया घर परिवार है, और मम्मी जी वो तो देवी समान है। संध्या दीदी, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई परी उतर कर आई हो मेरी ननद बनने के लिए। भुआ जी कितनी प्यारी है, कितना मीठा बोलती है, ऐसा लगता है जैसे पूरे घर में कोयल कूक रही हो। और छोटी देवरानी जी बिल्कुल सरस्वती, और वहीं आप साक्षात लक्ष्मी का रूप। एक बहू के लिए इससे ज्यादा भाग्यशाली घर क्या हो सकता है। बहन, मैं लालची नहीं हूं जो किसी के जेवर पहनकर तितली की तरह इधर उधर उड़ती फिरूं। इसीलिए मैंने सारे जेवर वापस लौटा दिए, लेकिन उस सिंदूर की डिब्बी से हमारा भाग्य चमक गया, जैसे सुबह सूरज की लालिमा पूरे संसार में उजाला करती है। वैसे ही एक विवाहित के लिए सिंदूर की लालिमा सुख सुविधाओं से भर देती है। बस इसी वजह से हम वो छोटी सी सिंदूर की डिब्बी आपको वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। छोटी बहू, तू हमेशा इससे खुश रहा। तारे जीवन में खुशी और समृद्धि हमेशा ऐसे ही बना रहे। अरे, हम तो भूल ही गए। ये देखिए बहन, हम क्या लेकर आए हैं। ये वही मंगलसूत्र है ना, जिसके लिए अमर जी ने इस घर को छोड़ दिया और मेरी बहन को भी छोड़ दिया। लेकिन आज उन्होंने पिताजी से ये मंगलसूत्र छुड़वा लिया है। और पता है, ये बात हमें माते ने बताई है। और पता है बहन, ये हमें माते ने ला कर दिया और कहा कि इस पर अब मेरा हक है। हमने सोचा ये बात हम अपनी बहन को खुद आकर बताएं। देखो बहन, मुझे पता है एक सुहागन के लिए मंगलसूत्र से बढ़कर और कुछ नहीं होता है।
इस मंगलसूत्र पर मेरा अधिकार नहीं है, इस पर तो आपका अधिकार है ना? तो एकदम ठीक कह रही बड़ी छोटी बहू, शायद ही कोनो ऐसे सुहागन हो जे अपन सिनुरा और मंगलसूत्र के खुद से दूर करल चाहत हुई। बस यह दोगो संपत्ति होला जे स्त्री के मरते और पति के संग रहते जीवन भर उके संग रहला। इसीलिए तो आज इस घर के मंदिर में ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये मंगलसूत्र लेकर आपके सामने खड़ी हूँ। पति के प्यार की निशानी ये मंगलसूत्र काश मैं आपको दे देती, लेकिन मेरे हाथ मेरे वचन से बंधे हुए हैं, माते को दिए वचन से। मैंने माते को वचन दिया है कि माते जो कहेंगी मैं वो सब करूंगी, और माते ने मुझे ये मंगलसूत्र आपको देने से मना किया है। इस मंगलसूत्र को आप खुद अपने हाथों से मुझे पहनाओ, यही माते का आदेश है। और मैं माते के आदेश को ठुकरा नहीं सकती। आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं है मेरा, लेकिन दिल और माते की आज्ञा दोनों के बीच फंस गई हूँ। मेरी प्यारी बहन, हम धर्म संकट में हैं। अब आप ही मुझे इस धर्म संकट से निकाल सकती हैं। ये मंगलसूत्र मेरे गले में पहनाकर मुझे इस धर्म संकट से निकाल दीजिए, मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। बस एक बार ये मंगलसूत्र अपने हाथों से मेरे गले में डाल दीजिए।